हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी, उसमें जो आपकी यूनिट है फोर स्पोर्ट्समैनशिप एंड वेलनेस, उसमें जो है चैप्टर थ्री करेंगे योगा ए वे ऑफ लाइफ। योगा जो कि जीवन का एक वे है, एक मार्ग है, योगा ए वे ऑफ लाइफ इसको करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आओ हम इन एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं इससे पहले कि हम लेसन पढ़ें। फर्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। आप योगा के बारे में क्या जानते हैं, डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। इसको जो है डिस्कस करें पेयर्स में और शेयर करें होल क्लास के साथ। तो योगा आपको पता ही है कि हमें करना चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है वो इसमें सही रहती है। बहुत सारे आसन होते हैं योगा में और ये हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। इस तरह की चीज़ें आप पेयर्स में डिस्कस करेंगे और फिर क्लास के साथ शेयर करेंगे पूरी क्लास में। सेकंड है, व्हाट इज़ 21 जून नोन फॉर। 21 जून को हम किस लिए जानते हैं, What do we do on this day? इस दिन हम क्या करते हैं। थर्ड है, List as many words you know related to yoga। जितने शब्द आप जानते हैं जो योगा से रिलेटेड हैं उसको लिस्ट करें। शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अब लेट अस रीड। योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। तो अब आपसे पूछ लें व्हाट इज़ योगा, तो आप कहेंगे योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। योगा एक शारीरिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक, मेंटल मानसिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, और प्रैक्टिस मीन्स प्रथा अभ्यास। योगा एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो है अभ्यास है। That originated in ancient India, जिसका जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। The word yoga comes from the Sanskrit root यूज। जो शब्द योगा जो है वो संस्कृत रूट जो है यूज से आता है, which means to join or to unite, जिसका मतलब होता है join करना या unite करना। Join means शामिल होना, unite means एकत्रित होना। This symbolizes the unity of mind and body। ये किस चीज़ का प्रतीक है, यह प्रतीक है मस्तिष्क और शरीर की यूनिटी का। This symbolizes the unity of mind and body। यह सिम्बोलाइज करता है माइंड और बॉडी की यूनिटी को। Thought and action, विचार और कार्य। This symbolizes the unity of mind and body, thought and action। यह सिंबलाइज करता है माइंड और बॉडी की यूनिटी को और थॉट एंड एक्शन की यूनिटी को। थॉट विचार, एक्शन कार्य, हारमोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हारमोनी मीन्स बैलेंस, समन्वय, संतुलन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। इट इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। योगा जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक होलिस्टिक आयाम है हेल्थ और वेलबींग के लिए। तो आप ये मानेंगे कि जो योगा है वो स्वास्थ्य के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है। इट इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमेटिक वे इन योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि। तो ऋषि पतंजलि ने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था इस चीज़ को, द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा, योगा की प्राचीन परंपरा को। ऋषि पतंजलि ने योगा की जो प्राचीन परंपरा जो है उसको सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था, इसमें इन योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि।
योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि में ऋषि पतंजलि ने योगा की जो प्राचीन परंपरा को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया था, ये डिस्क्राइब उन्होंने वर्णित किया था योगा एज द मीन्स, योगा एक साधन के रूप में, टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस, परेशानियाँ, व्यवधान। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। उन्होंने योगा को एक ऐसे साधन के रूप में वर्णित किया था कि जो मस्तिष्क को शांत और मुक्त रख सके फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, सभी प्रकार के व्यवधानों से। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, योगा जो है बहुत पॉपुलर हो गए हैं पूरे संसार में, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों की वजह से। आपको पता है कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, और इसी वजह से जो है योगा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है पूरे संसार में, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जो योगा करते हैं व्यक्ति उनकी जो है बॉडी जो है फिट रहती है, उनका जो हेल्थ है उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ में, उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहता है। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा, यहाँ हम पढ़ेंगे योगा के कुछ बेनिफिट्स। योगा पोस्चर्स, योगा पोस्चर्स मीन्स योगा आसनाज, योगा के आसन। हेल्प टू स्ट्रेच, मदद करते हैं स्ट्रेच करने में। एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, जो योगा के जो आसन होते हैं वो मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। मसल्स मांसपेशियां, स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना और स्ट्रेच मीन्स उनको फैलाना, स्ट्रेच करना। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलेपन को बढ़ाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन। एंडोरेंस, एंडोरेंस एंड बैलेंस, एंडोरेंस मीन्स क्षमता, एंडोरेंस का मीनिंग देख लें एक बार, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, ऐसी क्षमता जो बगैर जो है गिविंग अप कंटिन्यू करना, गिविंग अप का मतलब इस वैसे हिम्मत हारना होता है, बगैर जो है हिम्मत हारे बिना रुके कंटिन्यू करना, तो उसको कहते हैं एंडोरेंस, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। एंड बैलेंस संतुलन, दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, यह जो है ओवरऑल जो फिजिकल फिटनेस है, जो ओवरऑल जो कुल मिलाकर जो हमारी शारीरिक फिटनेस है उसमें सुधार कर सकता है योगा। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन, योगा जो है बॉडी पेन्स को भी रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, सच एज लोअर बैक पेन, जैसे कि जो लोअर बैक पेन होता है। योगा इन्वॉल्व ब्रीथिंग टेक्निक्स, योगा के अंतर्गत जो है ब्रीथिंग टेक्निक्स आती हैं, सांस लेने की तकनीक। एंड मेडिटेशन, ध्यान लगाना योगा में, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जो मस्तिष्क को शांत रख सकती हैं। एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंगजाइटी, और जो स्ट्रेस होता है तनाव होता है, जो एंगजाइटी मीन्स वरी जो चिंता रहती है उसको रिड्यूस करता है योगा। योगा इन्वॉल्व ब्रीथिंग टेक्निक्स, योगा में ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, ध्यान है, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जो मस्तिष्क को शांत रखने में मदद कर सकता है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है, एंड एंगजाइटी को कम कर सकता है, चिंता को कम कर सकता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, ये माइंड को रिलैक्स करता है योगा। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो नींद की जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार करता है। एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, और जो ध्यान जो है उसमें वृद्धि करता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, यह माइंड को रिलैक्स करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाता है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना। योगा को दर्शाया गया है
कि वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाता है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, ये जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो हेल्थ है, उसकी कंडीशन जो है हार्ट की, उसको भी इम्प्रूव करता है बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लोअर करके, कम करके, एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार करता है योगा। तो योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। योगा कैन एड इन वेट लॉस, योगा हेल्प करता है, एड का मतलब भी हेल्प। योगा कैन हेल्प इन वेट लॉस, योगा वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, वजन कम हो जाता है बाय बर्निंग कैलोरीज, कैलोरीज को बर्न करके, और मेंटेनिंग हेल्थ और स्वास्थ्य को मेंटेन करके। योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, योगा जो है एक जो ओवरऑल जो वेलबींग होती है हमारी, जो सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग है उसको बढ़ावा देता है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है why the benefits of practicing yoga are internationally recognized, यही वो कारण है, यही वो वजह है कि योगा को प्रैक्टिस करने के बेनिफिट्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनको मान्यता मिली हुई है, पहचान मिली हुई है। दिस इज़ द रीज़न why the benefits of practicing yoga are internationally recognized, दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है why the benefits of practicing yoga, क्यों जो है योगा को प्रैक्टिसिंग करने के जो बेनिफिट्स हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता दी गई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन 20 जून 2021 20 जून 2021 को लॉन्च्ड एन ऐप, एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम था कॉल्ड WHOM योगा, उसको कहा गया WHOM योगा, इस ऐप का नाम है WHOM योगा। द ऐप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, जो जो ऐप है उसमें क्या कंटेन है, क्या शामिल है, कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स, उसमें कलेक्शन है वीडियोज का और ऑडियो फाइल्स का, टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस को सिखाना और सहयोग करना। द ऐप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वीडियोज, ऐप में जो है वीडियोज का और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है, संग्रह है, टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस को सिखाने के लिए और सहयोग करने के लिए। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज, जो एम था उसका ये था एम कि ईजी टू यूज, आसानी से जिसको प्रयोग किया जा सके, एंड फ्री टूल, जो फ्री टूल है ये फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो लोग हैं संसार के, टू एनकरेज देम, कि उनको प्रोत्साहित कर सकें टू प्रैक्टिस योगा, योगा को प्रैक्टिस करने के लिए। जो ये WHOM योगा जो ऐप लॉन्च की गई है, इसमें वीडियोज और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस को टीच और सपोर्ट करने के लिए। इसका उद्देश्य था इजी टू यूज और फ्री टूल है ये फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, और उनको प्रोत्साहित किया जा सके योगा की प्रैक्टिस के लिए। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण हम योगा की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, हम योगा की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण, किसी भी समय। वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनाज ऑब्लिक पोस्चर्स, वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनाज, कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना योगा आसन की या पोस्चर्स की, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हम केवल बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं करते, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, जो मस्तिष्क है उसको शरीर के साथ होना पड़ेगा, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, मस्तिष्क को शरीर के साथ होना पड़ेगा, होना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न, यही वो कारण है वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस।
कि जो योगा को जो है बगैर किसी डिस्टर्बेंसेस के प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, बगैर किसी व्यवधान के जो है प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। रीजन मीन्स कारण, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, डिस्ट्रैक्शंस मीन्स व्यवधान, डिस्टर्बेंसेस, कोई डिस्टर्बेंसेस उसमें नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द रीजन, ये वो कारण है वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड, क्यों इसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, बिना व्यवधान के। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस, इफ़ ईच स्ट्रेच, यदि प्रत्येक स्ट्रेच को कोऑर्डिनेट किया जाता है, समन्वित किया जाता है ब्रीथ सांस लेने से और अवेयरनेस सचेत होने से, आवर प्रैक्टिस विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस, हमारी जो प्रैक्टिस जो है वो एक योगिक प्रैक्टिस बन जाएगी। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड, यदि प्रत्येक स्ट्रेच को ब्रीथ और अवेयरनेस के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, समन्वित किया जाता है, आवर प्रैक्टिस, हमारा जो ये अभ्यास है विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस, ये एक योगिक प्रैक्टिस, योगिक अभ्यास बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।